हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जून में एग्जाम्स होने वाले हैं। मैंने आज 2018 के साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए हैं। करीब 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आई होप वीडियो आपको पसंद आएंगे। ये वीडियो नंबर 11 है रेलवे बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड, तो स्पेशली ALP जो एग्जाम हुआ था 2018 उसी का लिया हुआ है। सब रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज। रेसिस्टेंट का SI यूनिट क्या होता है? जूल, कूलाम, ओम या न्यूटन? तो इसका करेक्ट आंसर है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ। सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर या कॉन्वेक्स? करेक्ट आंसर है बी, कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्लांट दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू अ ग्रुप। ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। ऑप्शंस हैं टेरिडोफाइट्स, फिनेरोगेंस, थैलोफाइटा या नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, थैलोफाइट। क्वेश्चन है नोड्स ऑफ रेनवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड विद इन। देखिए नर्व सेल से रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है माइलिनेटेड शीथ, ग्लैंड सेल, ऑस्टियोब्लास्ट या कोंड्रोब्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी माइलिनेटेड शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम इन द मॉलिक्यूल NH4 2 SO4? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4, यानी 5 तो यहाँ हो गए, और 5 ये होल ट्वाइस लगा हुआ तो ये 10 ये हो गए, और 11, 11 और 4 15 हो गए, यानी कि 15 एटम्स जो है वो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन इंडिया अमंग अस द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में इंडिया में पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, प्लेटिनम, थोरियम या रेडियम। करेक्ट आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेगेटिव एक्सिलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सिलरेशन को आप क्या कहेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है? क्या उसे फोर्स कहेंगे, डिस्टेंस, मोमेंटम या वेलोसिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? पिजन, मशरूम या एल्गी या मैन? तो इसका करेक्ट आंसर है मशरूम्स। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास विच ऑल आर इंक्लूडेड। ग्लास बनाने में इन सब में से किसका यूज होता है, या इनमें से सेलेक्टेड में से कौन कौन से यूज कर सकते हैं? तो देखिए SiO2 या फिर Na2CO3, CaCO3 या Fe2O3। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो वो है जिसमें कि होगा आपका ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, रोस्टिंग या रिडक्शन बाय अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट विल हैव अ रिपल इफेक्ट इन द इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ मेनी प्रोडक्ट देयर बाय रिजल्टिंग इन द इन्फ्लेमेशन। देखिए किस कौन सा ऐसा जो बेसिक जो हम कह सकते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट है जिसके प्राइस इंक्रीज होने से कई सारे प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट दिखाई देता है? तो ऑप्शंस ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, स्मार्टफोन या मेडिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा लास्ट एलिमेंट है लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन के हिसाब से? इसका करेक्ट आंसर है थोरियम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? वैल्यू ऑफ करंट बिकम हाफ, रिमेन द सेम या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, इसका जो आंसर है दैट इज बी, रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर।
जब पानी में ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, क्लोरीन गैस निकल। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इज 50, 60, 100 या फिर 220? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? इवेपोरेशन ऑफ सी वॉटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम या रिडक्शन ऑफ आयोडीन? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ 63% टिन, 37% लेड या 63% लेड और 37% टिन, या फिर 63% टिन और 37% एल्यूमिनियम, या 63% लेड और 37% एल्यूमिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 63% टिन एंड 37% लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए इज C3C4O। इफ इट्स एटॉमिक वेट इज 170 प्लस माइनस 2, देन द व्हाट विल बी द एटॉमिक फॉर्मूला, क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, C9H12O3। क्वेश्चन नंबर 21। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन अ मूविंग लिफ्ट। एक लिफ्ट है जिसमें पर्सन खड़ा है वेट मशीन पे और लिफ्ट मूव कर रही है। द वेइंग मशीन विल शो द लीस्ट रीडिंग। वेइंग मशीन में जो रीडिंग है वो कम हो रही है या कम दिखा रहा है, व्हेन, कब? ऐसा कब होगा जब वेट मशीन जो है कम रीडिंग दिखाएगी या कम होगा? गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कमिंग डाउन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड क्लॉट में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के, ए, डी या ई? करेक्ट आंसर है ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑयल लैम्प देयर इज अ होल इन द चिमनी बिकॉज अ स्मोक मे कम आउट, लैम्प मे ग्लो विद ब्रिलियंस, ऑक्सीजन मे बी अवेलेबल टू द ग्लो लैम्प या हीट ड्यू टू द ग्लोइंग मे कंटिन्यू टू गो आउट? ऑप्शन आप देख सकते हैं, पॉज करके आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स? इनमें से कौन सा ग्रीन कलर प्लांट्स का ग्रीन कलर का वजह है? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ऑस्मोसिस या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। विच कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? कौन से कलर की लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? तो ऑप्शंस है आपके येलो, ब्लू, रेड या ग्रीन। तो करेक्ट आंसर है आपका रेड जो होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा? इसमें मैंने आपको सारे बस क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं था ये। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जुड़े रहे चैनल के साथ इस तरीके के नए नए वीडियोज के लिए, स्पेशली RRB के लिए फिलहाल तो डाल रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।